अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। मैं नाश्ते के लिए बुलाने ही वाली थी तुम्हें। मामा ने कर लिया? पूछने पे भूख नहीं है कह के मना कर दिया, मनाने पे भी नहीं मान रहे। तुम ले जाओ, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, मैं ले जाता। नाश्ता तो आपने किया नहीं, पानी के दो घूंट ही पी लें। तुम्हें अंदाजा नहीं शाकरा, मैं किस कदर परेशान हूं। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। मेरे हलक से तो पानी का घूंट तक नहीं उतर सकता। मैं समझती हूँ आपकी परेशानी। अभी यहाँ आकर सब हंगामा खड़ा करेंगे। रात को भी रहमत भाई इतना शोर मचा के गए हैं, और अब तो वो खानदान के बड़ों को इकट्ठा करके लाएंगे। खानदान के बड़े वो तो मेरे घर में कदम तक रखना गवारा नहीं करते। तुम देखना, बजाय उनके आने के हमें शहर बदर होने का पैगाम मिल जाएगा। क्या मतलब? अब हमें यहाँ कौन रहने देगा शाकरा? हम कहाँ जाएंगे? जाना ही पड़ेगा, और इससे पहले कि हमें जलील करके निकाला जाएगा, बेहतर है कि हम खुद ही चले जाएं। जितना हो सके जरूरत का सामान बांधना शुरू कर। कैसा खानदान है, कैसे रस्म रिवाज है। हमारा दुख दर्द मांडने के बजाय हमारा जीना मुहाल कर दिया। आपा भी ने बताया आपने नाश्ता नहीं किया, इसलिए आपको और अपना ब्रेकफास्ट यहीं ले आया मैं। मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम करो नाश्ता। खुद को कमरे में बंद कर लेने से तो कुछ नहीं बदलेगा ना मामा। हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा, ना चाहते हुए भी जिंदगी की तरफ लौटना होगा। प्लीज खुद को संभाले आप। मैंने हमेशा आपको जिंदगी से लड़ते देखा है, इस तरह हारते कभी नहीं देखा। आप ऑफिस जाना शुरू करें, शायद आपका दिल बहल जाए। मैं अपना दिल बहलाना नहीं चाहती, वरना ही खुद को बहिम्मत साबित करना चाहती। मैं अदन को याद रखना चाहती, हर पल हर लम्हा। सी, आई टोल्ड यू ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। तुम वैसे जज्बाती हो रही थी। क्या हुआ है? खुद देख लो। आई न्यू हाशर के होते हुए रेहाम को माफी मिल जाएगी, और इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है यार। दे गॉट मैरिड। थैंक गॉड। तुम्हारी बात हुई है हाशर से? नहीं, मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा है। आई विल कॉल हिम, लेकिन सबूत प्लीज। जो हो गया उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेट्स स्टे आउट ऑफ इट। आई होप रेहाम ठीक हो। ठीक ही होगी यार, ये मत भूलो कि आशिर उससे प्यार करता है, वरना ये शादी कभी भी पॉसिबल ना होती। किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम दुल्हन के जोड़े में रुखसत होके जरूर आ गई होगी इस घर में, लेकिन कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। ना इस घर में तुम्हारी कोई जगह है, और ना ही आशिर के दिल में। सिर्फ मेरी मोहब्बत,
समझी तो? ना तुम कभी हमारे बीच में थी, ना कभी आने की कोशिश करना। आ गई बहुत दुश्मन है तुम्हारे, एक और का इजाफा कर लोगी तुम। वाह भाभी, आप तो इसकी खिदमतें करने में लग गई। घर में पालतू जानवर हो ना, उसे भी खाना दे देते। ये तो फिर इंसान है ना। ये इंसान है और ना ही इस घर में कोई पालतू जानवर। किसी को इसके साथ हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। फुप्पो ने इसे आदन के कमरे में बुलाया। इस कमरे को देखो, इस कमरे को देखो जहां कभी जिंदगी तूफान उठाए रखती थी। सिर्फ मौत की खामोशी छाई हुई। कितने ख्वाब अदन ने इस कमरे में देखे होंगे। तुम्हारी लालच ने उसके सारे ख्वाब से छीन। अब मेरा चुप रहो। तुम्हारी कोई भी बात अदन को वापस नहीं ला सकती, ना ही तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दे सकती। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा और मैं हिसाब लूंगी, उसकी मुस्कुराहट का, उसके ख्वाबों का। जिस तरह तुमने उस मासूम को मजबूर किया कि वो अपनी जान ले ले, उसी तरह मुझे सिर्फ तब तसल्ली होगी जब तुम अपने हाथों से अपनी जान लोगी। जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई। पावे कोई लख पावे जंजीरा, इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल ना तकदीरा। शीन काफ जेड़ा समझे या भुले या, रुल जावे वांग फकीरा। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों। सांसें हुई जैसे एक इंतहा, ढलती न गम की रातें क्यों। देखो फरा, इस तरह गुस्सा करने और टेंशन लेने से मसला हल नहीं होगा। और तुम परेशान क्यों हो, किस वजह से? वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आ सकती, बशर्ते कि तुम आशिर के दिल में अपनी अहमियत और नजरों में मकाम बना लो। मैं, आपने उसे देखा? वो शायद हैसियत में मामूली होगी लेकिन शख्सियत में नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाह रही हो? मेरा मतलब ये है कि उसके चेहरे की मासूमियत उसकी खूबसूरती नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मैं लड़की होते हुए उसे नोटिस करती हूँ तो आशिर तो फिर भी। आशिर आ गया।
दुखी और परेशान मर्द को कोई औरत अगर प्यार से संभाल ले तो वो बहुत जल्द उसका हो जाता है। तुम आशिक का दुख बांटने की कोशिश करो। आशिक, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए फैसला बहुत मुश्किल था। नहीं, बहुत ही आसान था मेरे लिए फैसला करना। आशिक, मैं रहम को सालों से जानती हूँ, जो कुछ भी हुआ मैं वो... किसी बात को दोहराना नहीं चाहता सबू, और ना ही कोई सफाई सुनना चाहता। जाहिर है आशिक, तुम जिस गम से गुजरे हो ना हम तुम्हें कोई सफाई दे सकते हैं और ना ही कोई मशवरा। सबसे बड़ी बात यह कि तुमने माफ कर दिया। बाज दफा माफ कर देने ही सबसे बड़ी सजा होती है। सज़ियत से गुजारे जिससे हमारा आदन गुजरा था, इससे सिर्फ दर्द और तकलीफ का रिश्ता है। कितने ख्वाब आदन ने इस कमरे में देखे होंगे। तुम्हारी लालच ने उसके सारे ख्वाब से छीन लिए। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। खड्डे में पानी में गिर गया। मैं उसके पास जा रही हूँ। सुने तो सही। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मामा, क्या? आशिक अदन खड्डे में गिर गया, पानी में। नहीं नहीं, गिरा नहीं है, उसको धक्का दिया। वो रेहम ने उसको धक्का दिया, उसको बचाना है। चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बुला रहे। बिल्कुल अकेला हूँ, वो अकेला है बिल्कुल। मैं जाके देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। आप चले ना प्लीज, मैं जाके देखता हूँ। मामा, मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ। किसको ढूंढ रहा हूँ? आप आ जाओ।
बहुत डर गई थी ख्वाब में, बहुत मुश्किल से रिलैक्स हुई। इस तरह तो आपा बीमार हो जाएंगी। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, इस लड़की को देखकर बार बार अदन का ख्याल आएगा उन्हें। सो गई आराम से, मैंने नींद की गोली दे दी उसे। आशिर तुम्हें इस लड़की को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम इसे क्या सजा दोगे, ये लड़की तो खुद आपा के लिए एक सजा बन गई है। आशिर, आशिर चलो तुम। आशिर चलो, आशिर मेरा हाथ छोड़ दो। आशिर मेरा छोड़ दो, छोड़ दो बेटे से। आशिर मेरी माँ को रात को नींद नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो तुम्हारा चेहरा देख के डर जाती है वो। मेरी माँ का चैन और सुकून छीन लिया तुमने, मेरे भाई को कब्र तक पहुंचा दिया तुमने, और खुद सुकून में रहो तुम। नहीं, जिंदगी थम गई, सारी रात यही खड़ी रहो, यही तुम्हारी सजा है। सदियों सा ख्वाब था इश्क जो बन के क्यों मिला वो सजा, दर्द है क्यों आशियां। खुशबू ना रंग है बेढंग है गुलस्तां, क्यों कैद में जाएगी। मरती है तो मर जाए मेरी बला से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बाहर खड़ा रहने दे उसे, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ हमदर्दी करने की। जब तक वो लड़की यहां है रोज इसी तरह के हंगामे होते रहेंगे इस घर में। जिस दिन से हम इस घर में आए हराम है जो एक लम्हा सुकून का मयसर आया हो। कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके बाद फिर सुकून ही सुकून होगा। लेकिन अब्बा, जब तक वो लड़की इस घर में है आशिर और पुप्पो तो बेचैन ही रहेंगे ना। अरे ये चंद रोज के बदले की आग है, निकाल बाहर करेंगे उसे। और वैसे भी आशिर ने जो आज किया उससे तो साफ साबित हो गया कि आशिर के दिल में उस लड़की के लिए सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि उस लड़की की वजह से वो दोनों बेचैन हुए हैं, तो ये बात तो तुम्हारे फायदे में ही जाती है। भाई तुम अगर उन्हें सुकून मयसर करोगी तो हम सबका फायदा है। तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम उस लड़की को अपने जहन में मत उलझाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ आशिर पर ध्यान दो, बाकी बातें हम संभाल लेंगे। आशिर आपने अभी तक चेंज ही नहीं किया, जाएं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बस जाने वाला था। आप तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फूफो का ख्याल कौन रखेगा? मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। इट्स ओके, मुझे जरूरत नहीं है।
अब तो मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल जरूरत है, जाएं। अरे जाएं ना, ज्यादा देर इन कपड़ों में रहेंगे तो आपको फ्लू हो जाएगा। क्या बात है, आपने नाश्ता भी नहीं किया। आपकी तबीयत ठीक है? दुकान पे नहीं जाना? अब तो तबीयत के ठीक या खराब होने का एहसास भी बाकी नहीं रहा शाकरा। आप रेहान की वजह से परेशान? नहीं, उसकी क्या परेशानी है अब मुझे? मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं बन रहा। चाय पीऊंगा, तुम घर का सारा सामान समेटो, मैं बाद में किसी रेडी वाले को बुला के लाता हूं। मामा, तो अभी सब ठीक है? तो मेरे साथ चलो। मामा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? वो रात से बारिश में भीग रही, खुदा न खास्ता उससे कुछ हो गया तो। मेरा उससे क्या वास्ता? वास्ता तो तुम जोड़ ही चुके हो आशीर। आप जानती हैं आप अभी ये वास्ता किस लिए जोड़ा गया था? तो फिर तब तक उसे जिंदा रहने दो जब तक तुम्हारी बदले की आग ठंडी नहीं हो जाती। मैं उसे अंदर ला रही हूं। उठो, अंदर चलो मेरे साथ। तुम जाओ। क्यों? सजा देने वाले को रहम आ गया? नहीं, यूं समझो कि थोड़ी देर के लिए माफी मिली। चलो उठो मेरे साथ, चल। अब्बा, ये सब नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हम घर छोड़ के चले जाएं? और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। क्या पूछता मैं तुमसे? यही कि मैं अपना घर छोड़ के जाना चाहता भी हूं या नहीं। इस घर का मालिक अभी तक मैं हूं। इसमें रहना है या इसे छोड़ के जाना है, इसका फैसला मैं कर सकता हूं। अब्बा, आपने जो फैसले करने थे ना, अपनी मर्जी से सारे कर लिए। अपनी मर्जी से आपने अपनी बेटी को पढ़वाया, उसके हाथ से अपने सर पे खाक डलवाई और फिर चुपके से उसकी शादी। जो भी है, आपको ये घर दादा से विरासत में मिला था, और क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूं तो इस घर का वारिस अब मैं हूं।
आप लोगों को इस घर से जाना है तो जा सकते हैं, पर मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कितनी इज्जत थी तुम्हारी इस घर में। सोफिया भी तुम्हें बेटी कहने लगी थी, पर तुमने कब बेटी बन के दिखाया? बेटियां तो हया और एहसास वाली हुआ करती, और तुमने तुमने क्या किया? मैंने सब कुछ नहीं किया। अपनी हया और उनकी इज्जत की खातिर ही मैंने अदन को कहा कि मर जाओ। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ वही सलूक कर सकती हूं जो इस घर में तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन मेरे सीने में दिल है, तुम्हारी तरह पत्थर नहीं। तुम्हें उसे घर नहीं लाना चाहिए था। शायद मुझसे गलती हो गई मामा, लेकिन मेरे जहन में आपकी एक ही बात गूंज रही थी कि आप उसे अपनी आंखों के सामने जी जी कर मरता और मर मर कर जीता देखना चाहती, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे वहां से आप तक लाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पना जरूर देखना चाहती, लेकिन तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। जी मामा, लेकिन मैंने सजा के तौर पर उसे रात को बारी कब और कैसे सजा मिलनी चाहिए ये मैं तय करूंगी। तुम उसे नहीं मिलोगे, तुम उसे देखोगे भी नहीं। ओके मामा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, और मैं उसे क्यों देखूंगा? उसकी मेरे लिए क्या हैसियत है? बस आप प्लीज अपना ख्याल रखें। अदन को तो मैं खो चुकी हूं, दूसरा बेटा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं। मामा, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। प्लीज अस्सलाम वालेकुम आप भाभी। वालेकुम सलाम। आप अभी ये कॉफी आप आशा के लिए बना रही हैं? तो मैं भी तो उसी के लिए बनाने आई थी, मैं ले जाती हूँ। आशीष सोफिया के कमरे में। कोई बात नहीं, मैं वो के लिए भी ले जाती हूँ। हाँ ले जा। तौफीक, मैं तो कहती हूँ जैसे ही आपा की हालत जरा बेहतर हो, आप फौरन मौका देकर फराह और आशिर की शादी की बात उनके कान में डाल दें। कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे? मैं जल्दी बात करता हूँ उनसे। पता नहीं कब बात करेंगे आप। कहा है ना, कर लूंगा। सुनिए, ये नाश्ता किसके लिए लेकर जा रही है? अच्छा, तो उस मनोज रिहाम के लिए। बढ़िया, आपा आपको इतना तरस क्यों आता है उसके ऊपर? नहीं, अगर आता है तो मैं आपा को बता देती हूँ। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो मेरी बला से आप उसे अंडे पराठे खिलाएं। जाइए बता दीजिए, लेकिन मैं एक इंसान के खौफ से दूसरे इंसान को भूखा नहीं रख सकती। देखा आपने, देखा किस तरह बात करके गई है मुझसे। थोड़ा सा हौसला रखो, मुझे कुछ वक्त दो बस, फिर देखो मैं ये बड़ी आपा और रेहाम के जितने चाहने वाले हैं ना इस घर में,
उनकी छुट्टी कैसे करवाता हूं। हौसला, वो आपको पता है जब पूरी रात नींद नहीं आई, आपकी फिक्र ही करती रही, कई बार दबे पांव आपके कमरे में भी आई आपको देखने के लिए, अगर शुक्र है आप सो रही थी। अम्मी कह रही थी कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके पास ही सोया करूं। अब्बा भी यही कह रहे थे, वो दोनों आपकी बहुत फिक्र करते हैं। नहीं बेटा, मुझे तन्हाई पसंद है, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मामा मुझे कुछ जरूरी कॉल्स कर। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। बेटा आई थिंक मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगी। जी पप्पू, ठीक है। मैं ठीक कह रहा था, तुम ये मोहल्ला और बरादरी छोड़कर जाने वाले, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है भाईजान। बिलाखिर एक ना एक दिन तो ये फैसला करना ही था। बहुत फैसले कर चुके थे और हर फैसले पे तुम्हें अपनी मुंह की खानी पड़ी। रकत, बेहतर होगा जो अब मैं फैसला करूं उसको गौर से सुनो और उस पर अमल करो। तो अभी अभी रात वाले सारे किस्से का पता चला। पापा ये सब क्या हो रहा है इस घर में? पापा को क्या पता, ये तो आशिर ने नींद की गोली खिला के सुला दिया था। चलें, ये भी खूब रही, अब ये रोज का रूटीन ना बन जाए कि आपा नींद की गोलियां लेकर सोती रहे और इनके दुश्मन मनमानियां करते फिरे। ऐसा नहीं है तस्नीम जैसा तुम सोच रही। कल मेरी तबीयत वाकई खराब थी, आशिर ने तो मेरे सुकून के लिए मुझे नींद की गोलियां दी थी। जी जी, वो मैं तो ऐसे ही कह रही थी आपा। अब देखे ना आपा, आशिर तो इस वक्त गम गुस्से में, इसमें जोश में आकर उसे इंतकाम की नजर से देख रहा है, और वो लड़की वो तो इतनी चलाक है, मासूम बन के घूमती रहती है, और सबसे बड़ी बात आशिर के निकाह में अभी तक। और एक दूसरे का आमना सामना इसी तरह होता रहा तो अल्लाह न करे अदन की तरह अगर आशिर का दिल भी उस पर आ गया तो। क्यों अजीब सी बातें कर रही हो तुम? ओ बाबा, उस लड़की का आशिर से क्या मुकाबला? अदन तो बच्चा था इसलिए उसके बहकावे में आ गया, उसके जाल में फंस गया। आशिर ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन आपा, आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा। देखिए ना, अदन तो चला गया, अब उसका दुख तो सारी जिंदगी हमारे साथ है, वो तो हम भुला ही नहीं सकते। लेकिन आप पर और भी तो जिम्मेदारियां हैं ना आपा। इतना बड़ा कारोबार, ये सब कुछ आपने किस मुश्किल से बनाया। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हुआ तो आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, नाश्ता भी वैसी पड़ा हुआ, खाली पेट दवा कैसे दूं? तुम्हारे किए की सजा तो अल्लाह ही मुकर्रर करेगा। दवा लेकर आती हूं। जो सजा अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर की है
मैं उसे पूरे दिल से कबूल करूंगी। आपको भी पूरा हक देती हूँ कि आपको रखे मुझसे नफरत करें। मैंने तो तुमसे मोहब्बत भी खुल के की थी। आपने अभी मेरा मामला अल्लाह पे छोड़ा ना, मेरी बेगुनाही भी वो ही साबित करेगा। तुम्हारे गुनाह बहुत है। तुम्हारे दामन पे मेरे अदन के खून के छींटे। मैं जानती हूँ कि अदन के मौत का गम बहुत गहरा है और ये गहरा ही रहेगा, कभी नहीं भरेगा। ढलती नगम की रातें क्यों।